बोलो हर हर महादेव। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? वेल आई होप बढ़िया होगे, आप लोग मजे में होगे। सो फाइनली भाई, बाइक को सर्विस कराने का टाइम आ गया है। वैसे तो 10,000 रुपये सर्विसिंग करानी थी, बट मैं थोड़ा पहले सर्विस करा रहा हूँ। क्यों बताया था, अभी 9844 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, लगभग 150 किलोमीटर पहले करा रहा हूँ सर्विस में। रीजन उसका ये है कि भाई हम जाने वाले हैं एक लंबे राइड पे, और लंबा मतलब 1000 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है? तो 1000 किलोमीटर की राइड पे हम जाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सर्विसिंग पहले करा लो, क्योंकि परसों निकलूँगा मैं, तो मैं सोच रहा हूँ सर्विसिंग एक दिन पहले करा लूँ, ताकि मतलब सर्विसिंग के बाद से कुछ इशू आ रहा हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ें मतलब एक दिन का टाइम रहेगा मेरे पास पता करने के लिए, और कुछ होता है तो फिर सही कराने के लिए। तो खैर चलो, अभी अपन पहुँचते हैं सबसे पहले सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर पहुँच के कराते हैं बाइक की सर्विसिंग। एयर फिल्टर मैंने क्लीन कर लिया था, उसका वीडियो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, कैसे क्लीन करना है चीज़ें पता चली गई हैं। और एयर फिल्टर क्लीन करने के बाद से भाई आवाज़ में थोड़ा सा चेंज तो मेरे को दिख रहा है। देखो अब ब्रेक से कैसे आवाज आ रही है चेंज। भाई तीसरी सर्विस है, देखते हैं क्या खर्चा होता है, कैसे होता है सर्विसिंग। बैक के लिए हम लगा दो, ठीक है। अपिंग कब करवाई थी? इस पे हो गया, टाइम हो गया। इस पे बफिंग नहीं कराई, वो मेटल पॉलिश करी थी, बहुत दिन हो गया। हाँ हाँ, वो मेटल पॉलिश खरीदूंगा ना अभी यहाँ से, ऐसा हो जाएगा बफिंग करवा लो। हाँ हाँ, फायदा नहीं खरीदते इसमें मेटल, वो बफिंग करा लो। उससे फायदा है। अच्छा, बफिंग करा करके मेटल पॉलिश कराओगे ना, जब ऐसे चमक रहा है। मेटल पॉलिश से क्या होगा, देखो अब तुम बफिंग नहीं कराओगे, मेटल पैच कराओगे। हाँ, कलर और उसका कलर अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं होगा ना, ना क्योंकि उसमें वो लगवा रखा है एयर फिल्टर, मैंने परमानेंट वाला लगवा रखा है, हटा ही दो, वो क्लीन हो जाता, मैंने क्लीन कर रखा ना, क्लीन भी नहीं करना, क्लीन कर रखा मैंने। हाँ वो हटा देना। सो भाई अपनी बाइक आ गई है सर्विसिंग पे, ठीक है, बे एरिया पे आगे खड़ी हो चुकी है। कुछ कुछ मेजर चीज़ें मैं एक ना, बहुत ज़्यादा क्लच जो है बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है, तो मैं देखता हूँ और वायर चेक कराऊंगा क्लच का, अगर कुछ लगेगा तो उसको चेंज कराएंगे। टैपेट से ऐसा आवाज़ नहीं आ रही तो नहीं कराऊंगा। व्हील अलाइनमेंट का बोल रहे थे, बट देखता हूँ अगर ज़रूरत पड़े तो व्हील अलाइनमेंट चेंज कराएंगे। ऑयल का मैं सोच रहा हूँ टॉपअप करा लूँ, अभी स्टेटस क्या है ऑयल का, अभी तो वैसे तुरंत चल के आइए तो थोड़ा देर रुकते हैं, देखते हैं पता चल जाएगा ऑयल का स्टेटस क्या है। अगर पूरा ख़त्म हुआ होगा तो फिर तो ऑयल पूरा चेंज कराएंगे, वैसे मेरे को लग नहीं रहा है, काफ़ी हद तक ऑयल तो था, अगर यहाँ तक हुआ तो टॉपअप ही कराऊंगा मैं, क्योंकि लास्ट सेकेंड सर्विस में मैंने ऑयल चेंज करा लिया था, ठीक है। बाकी ऐसे बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क पैड आगे वाला ख़त्म हुआ पड़ा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि लंबा जाना है तो मैं चेंज करा लूँगा, पीछे वाला तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है, बस आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह करा लेंगे। और हर बार की तरह अपने भैया ही सर्विसिंग कर रहे हैं, क्या हाल चाल है भैया? थोड़ा सा यार अपना ना आगे वाला ब्रेक भी जो है थोड़ा टेढ़ा हुआ पड़ा था, एक दिन वो रात को एक बच्चा इसको खींच रहा था, तब से टेढ़ा हुआ पड़ा है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। व्हील अलाइनमेंट के ऐसे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही लग रही है, बाकी भैया ने भी चला के चेक किया तो लगा नहीं कि व्हील अलाइन कराने की ज़रूरत है, और मेरे को भी अभी तक कुछ फील नहीं हुआ कि हाँ व्हील अलाइन कराता है कुछ भी। क्लच वायर मैं ज़रूर चेंज करा रहा हूँ, क्योंकि ना कई बार क्या होता है जब मैं बाइक खड़ी रहती है कोल्ड रहती है, और जब मैं स्टार्ट कर जब क्लच दबाता तो कट से आवाज़ आती है, तो लगता है कि इसे कहीं फंस रहा है, कुछ हो रहा है, तो भैया बोलेंगे क्लच वायर में ही इशू है, तो बस चेक कर लेंगे वो भी, क्लच वायर चेंज करा ले रहा हूँ मैं। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ क्लच प्लेट ख़राब हो या कुछ ऐसा बड़ा मेजर इशू हो, तो बेहतर है कि क्लच वायर चेंज करा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काफ़ी हद तक तो वो रात को जो बच्चा खींच रहा था ना भाई, उसी चक्कर में वो ख़राब हुआ है। भाई ये अभी पे ये नई वायर डल रही है, 210 के ना।
सर बाहर से कराने की चीज़ें मतलब नहीं बनता यार, रॉयल एनफील्ड से करा रहे तो रॉयल एनफील्ड से कराओ, खासकर जब तक बाइक वारंटी में हो तब तक तो चीज़ें रॉयल एनफील्ड से ही लेके कराया करो, बाहर से मत कराया करो। उसमें चलो एक नया वायर लग गया, एक मेजर काम ये था, एक मेजर काम ऑयल का है, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं बाइक में, छोटा भी है और अलग भी है थोड़ा सा। बेसिकली हुआ क्या है भाई, क्लच वायर जो है वो आ गया इंटरसेप्टर का, अब एक्चुअली मैंने उस पर लिखा हुआ नहीं है कि इंटरसेप्टर का है या जीटी का है, तो क्योंकि ये लंबा है इंटरसेप्टर में जो तो क्लच वायर है थोड़ा सा लंबा है, तो साइज़ डिफरेंट तो वहाँ पे है, यहाँ पे आके वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ से जा रहा है और थोड़ा सा अलग भी है उसका, तो अभी भैया निकाल के दोबारा जीटी का ले आएंगे। और क्या सेम साइज़ है ना, अब ठीक है यार, पहला वाला मतलब फिर भी था अच्छा सा डिफरेंस था उसमें यार। ये जो है हल्का हल्का सा ढीला तो देख लेना, टाइट कर लेना भाई। ये समगार्ड लगाने का मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है, दो तीन बार बाइक नीचे से लड़ चुकी है मेरी, बट इसी ने बचाया है, तो समझ लो कि ऑयल फिल्टर ये सारी चीज़ें बच गई हैं, तेल वगैरह कितना है क्या है, मन तो मेरा टॉपअप का ही था बट तेल कम दिख रहा है, काफ़ी कम दिख रहा है, तो लेट्स सी कितना तेल निकलता है, तेल काफ़ी क्लीन था बट देखते हैं भाई निकलने बाद पता चलेगा। भाई ऑयल टॉपअप ही होगा, जितना है उतना डाल देंगे प्लस जितना एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी उतना डलवाएंगे, क्योंकि सेकंड सर्विस में मैंने ऑयल डलवा लिया था भाई, पूरा ही डलवाया था उस टाइम पे, जबकि सेकंड सर्विस में टॉपअप होता है, तो थर्ड में मैं टॉपअप करा रहा हूँ, फोर्थ में चेंज कराएंगे इसको। दो लीटर है लगभग भाई, तो ये तो वापस डल जाएगा, बचा हुआ दोबारा टॉपअप कराएंगे, क्योंकि ऑयल की क्वालिटी भी ख़राब नहीं हुई थी, ऑयल जला नहीं था ऐसे कि मतलब ख़राब हो गया ऑयल, तो ऊपर से टॉपअप कराएंगे फिर मज़ा आएगा। वैसे कम तो हो गया था, पता नहीं क्यों नीचे तक दिखा नहीं रहा था, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी खड़ी है, देखते हैं टॉपअप होने के बाद शायद ऊपर तक आ जाए, तो लेट्स सी। चलो भाई ये रहा फ्रेश ऑयल अप्रॉक्स 1 लीटर, थोड़ा सा ऊपर नीचे समझ लो, क्योंकि 3100 ml डलता है पूरा, अब ऊपर आ रहा है, घिसी रहती ना उतनी वहीं ज़्यादा यूज़ होता है अगला वाला ही, पीछे वाला तो वैसे का वैसा ही रह जाता है, बड़ा कम यूज होता है। भाई ये रहा अपना डिस्पैड, यही है 2140 का, निकलो सबसे मोटा खर्चा यही होने वाला है। आगे वाला ब्रेक यार इन जनरल बहुत ज़्यादा यूज हो ही जाता है, आप कितना भी वो करो आगे वाला ब्रेक ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने डिस्पैड तो चेंज करा लिया यार। पीछे वाले पैड एकदम नए नए से हैं, यूज़ भी कम होता है बट फिर भी पता नहीं क्यों आवाज़ करता है, चें 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 करता है, एकदम नए यार आवाज़ भी नहीं करता, हल्का हल्का रस ये भाई, तो सैंडपेपर मार के देख लो और क्लीन हो, थोड़ा बहुत जो भी है तो हल्का सा मार दो, अगर शायद उससे आवाज़ आना बंद हो जाए, ये सही है बस थोड़ा सा। तो भाई ये रहा अपना खर्चा, ज़्यादा खर्चा इस बार नहीं हुआ है, 2891 का ही हुआ है, क्योंकि यार ऑयल टॉपअप कराया था मैंने तो वो 550 रुपये मतलब 649 का ऑयल पड़ा है, क्लच जो है वायर चेंज हुआ था उसका तो 209 रुपये का वो पड़ा है, और डिस्क पैड पड़ा आगे वाला 2033 रुपये का, मतलब थोड़ा डिस्काउंट मेरे को मतलब मिल गया, मतलब बोलोगे तो मिल जाता है डिस्काउंट हो जाता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो कुल मिला के 2891 रुपये का पेमेंट हुआ है। अपनी बाइक वॉश होने गई है, जल्दी वॉश होकर आएगी फिर निकलते हैं। ओ भाई बहुत बढ़िया भाई, बाइक की सर्विसिंग डन होने के बाद से मज़ा तो आ रहा है, स्मूथ तो चल रही है पहले से और बेहतर, सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या हुई है, क्लच अब इतना बढ़िया स्मूथ हो गया है, इतना स्मूथ मत पूछो, मतलब यार नॉर्मली रॉयल एनफील्ड की बाइक से क्लच वगैरह जो है थोड़े हार्ड और टाइट तो होते ही हैं, अब वो हार्ड वाला यूज़ करते करते आदत हो गई थी है ना, तो अभी ये इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था बट वो आदत होती पता नहीं चल रहा था, बट एक दो बार से अभी क्या हुआ कि एक दो बार से कट कट की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार चेक करा लेंगे, तो यार वायर चेंज कराने के बाद से जो स्मूथ क्लच चल रहा है ना, मतलब सही बता रहा हूँ भाई, अमेजिंग मज़ा आ गया भाई, सर्विस डन है, इसकी वीडियो तुम देख ही लोगे। इसके बाद
राइड प्रिपरेशन क्या क्या करने वाले हैं राइड पे, मतलब कहाँ जाने वाले हैं और भाई क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं राइड से पहले। कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जो लेनी थी लंबे राइड से पहले, और अभी जाड़े का मौसम आ गया, ठंड का मौसम आ गया है, विजिबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है रात रात को। खैर मैं रात को तो नहीं निकल रहा हूँ, मैं बता दूंगा प्लान कैसे है क्या चीज़ें हैं, तो उन सारे का सारी चीज़ों का एक वीडियो अलग से तुमको मैं दे दूंगा बना के। चलो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं भाई सर्विस का, और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, ख्याल रखो, स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय गाइस, सी यू सून।